गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, से गुड मॉर्निंग मैम। आपको मेरे फेस से क्या लग रहा है? हैप्पी हूँ। सैड? ऑपोजिट वर्ड किए थे ना? यस, सैड का ऑपोजिट हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट सैड। तो चलिए, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज कल आपकी मैम करवा रही है माई सेल्फ, मतलब माई सेल्फ का मतलब बोलो बोलो बोलो। माई सेल्फ का मतलब मेरे बारे में जो भी इंट्रोडक्शन होगी, जो भी मैं हूँ। देखो, अब माई मतलब मेरा, एम वाई माई, एन ए एम ई नेम, आई एस इज, माई नेम इज। आगे मैम ने ब्लैंक छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है, जो भी आपका नाम है आपको अपने नाम के स्पेलिंग याद करके लिखने हैं। तो मेरा नाम, मैं तो बोलूंगी अंजलि है, ठीक है। आई एम अ बॉय और गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप लड़के हैं तो आप बोलेंगे मैं एक लड़का हूँ। आगे देखिए, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड, मैं नहीं हूँ सिक्स, मुझसे मत पूछना, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ। हाँ बच्चों, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये वाला सिक्स नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है एस आई एक्स, सिक्स या सेवन। आपको नंबर नेम्स मैम ने करवाए हैं ना, उस तरह से आपको फिल करना है। देखिए, स्पेलिंग लर्न करने की जहां तक बात रही, आए कितनी बार रिपीट हुआ है ना, एम भी, ठीक है। तो आपको ये रिपीट करने हैं, स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं। आगे है आई आर ई ए डी, रीड, आई एन इन यू के जी क्लास, मैं यू के जी कक्षा में पढ़ता हूँ। देखिए, आपको सारे स्पेलिंग मैम ने याद करवाए हैं, इन के भी, रीड के भी, आई के भी, क्लास के भी, ईयर्स के भी, ओल्ड के भी। तो जो भी आप करो, चाहे टू लाइंस लर्न करो, लेकिन विद स्पेलिंग्स ही लर्न करना। तो चलो बच्चों, डू प्रैक्टिस एट होम, बाय बाय।